जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज के इस लाइव चर्चा का जो विषय है संयम से सिद्धि कैसे आती है संयम से सिद्धि कैसे आती है तो मुख्य रूप से हमें समझना क्या है दो विषयों को इसमें समझना है एक संयम और दूसरी सिद्धि संयम क्या है और सिद्धि क्या है वैसे तो सभी जानते हैं सिद्धि का मतलब समझते हैं लोग किसी के अंदर कोई विशेष शक्ति का पाया जाना स्पेशल कैपेबिलिटी कुछ विशेष सामर्थ्य का पाया जाना जो कि अप्राकृतिक लगे प्रकृति से ऊपर दिखाई दे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सामान्य से अलग असामान्य हो ऐसी शक्ति किसी के अंदर दिखाई दे तो हम उसे सिद्ध पुरुष या सिद्धि कहेंगे कि भाई व्यक्ति के पास सिद्धि है व्यक्ति के पास सिद्धि है तो ऐसी सिद्धि हमें दिखाई दे सकती है तो जब ऐसी शक्तियां दिखती है तो सिद्धि की हम चर्चा करते हैं लेकिन अब योग सूत्र का सिद्धांत क्या कहता है कि संयम से सिद्धि की प्राप्ति होती है। योग सूत्र का सिद्धांत कहता है पतंजलि योग सूत्र का सिद्धांत कि संयम से सिद्धि की प्राप्ति होती है तो अब ये संयम क्या चीज है और सिद्धि क्या है हम इसको समझने का प्रयास करेंगे तो संयम अर्थात संयम एक अभ्यास की प्रक्रिया है वैसे पतंजलि योग सूत्र में धारणा ध्यान समाधि इन तीनों को एक साथ संयम कहते हैं संयम का प्रारंभ धारणा है संयम की समाप्ति संयम का अंत समाधि में है अर्थात जहां संयम पूर्ण हो जाता है और संयम का प्रारंभ धारणा से होती है तो संयम का वास्तविक अर्थ क्या है जैसे मान लीजिए कि आप भोजन करते हैं और यदि आपको मधुमेह हो गया डायबिटीज हो गया तो फिर क्या होगा आपसे कहा जाएगा भाई खाने पीने में संयम रखो मीठा कम खाओ कार्बोहाइड्रेट कम खाइए ग्लूकोज कम खाइए ऐसी चीज़ें कम खाइए जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है शुगर की मात्रा जिसमें ज़्यादा है आप डायबिटिक अगर हो जाते हैं तो, तो आपको संयम रखने के लिए कहा जाता है और अगर आप संयम रखते हो तो वह जो बीमारी है धीरे धीरे कम हो जाएगी आपको परेशान करना बंद कर देगी ठीक है तो संयम कहने का अर्थ क्या संयम मतलब एक नियंत्रित अभ्यास एक नियंत्रित अभ्यास ही संयम है या तो हम किसी समस्या से बत, बचना चाहते हैं या अपने अंदर किसी शक्ति का विकास करना चाहते हैं तो योग सूत्र में धारणा से संयम प्रारंभ हो जाता है संयम का अर्थ यूं समझिए जैसे कि आपको गाड़ी चलानी है ड्राइविंग करना है आपको तो आप ड्राइविंग सीखेंगे तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा संयम के साथ अभ्यास करना पड़ेगा संयम मतलब धैर्य संयम मतलब तारतम्यता तो आपको संयम के साथ अभ्यास करना पड़ेगा अगर आप गाड़ी सीखना चाहते हैं तो संयम मतलब एक प्रकार का यह यम है एक नियम में रहना पड़ेगा आपको एक नियम में आपको रहना पड़ेगा और नियम में रहते हुए आपको नियमित अभ्यास करना पड़ेगा नियम में रहते हुए आपको नियमित अभ्यास करना पड़ेगा तो उस अभ्यास से जो परिपक्वता आएगी वो सिद्धि कहलाएगी तो आपको एक नियमित अभ्यास करना पड़ेगा आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और संयम रखेंगे कहने का मतलब एक धैर्य बनाकर रखेंगे एक नियम बनाकर रखेंगे एक नित्यता बनाकर रखेंगे कंटिन्यूटी जरूरी है रेगुलर रहेंगे आप अभ्यास में तो आप बहुत जल्द महीने भर के अंदर आप अच्छी से ड्राइविंग सीख लेंगे गाड़ी चलाना सीख लेंगे आप बहुत जल्द जो है गाड़ी चलाना सीख लेंगे आपको ड्राइविंग आ जाएगी तो अगर संयम नहीं होता तो या अभ्यास भी सफल नहीं होता और परिपक्वता भी नहीं आती और आप गाड़ी चलाना सीख भी नहीं पाते उसी प्रकार से जो संगीत विद्या के प्रति जागरूक हैं संगीत सीखना चाहते हैं जो संगीत सीखना चाहते हैं वो संगीत विद्या के प्रति जागरूक रहते हैं और संयम से उनको भी अभ्यास करना पड़ता है कानपुरे पर बैठकर स्वरों को साधते हैं रे ग ऐसे तो स्वरों को साधते हैं हारमोनियम पर तानपुरा पर स्वरों की साधना करते हैं संयम के साथ करते हैं उनको भी कहा जाता है संयम रखो और संयम के साथ अभ्यास करो तो सफलता जरूर मिलेगी और एक दिन वो सीख जाते हैं और वो सामान्य मनुष्य के लिए बड़ा ही चमत्कारी होता है कि भाई कोई संगीतकार कोई बांसुरी वादक कोई हारमोनियम कीबोर्ड प्लेयर कैसे अपनी उंगुलियों को चला लेता है इतनी फास्ट संयम से आ रहा है सब तो संयम का अर्थ है जब हम किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो उसके साथ एक तारतम्यता को स्थापित करते हैं एक ट्यूनिंग को हम डेवलप करते हैं जैसे गाड़ी आप सीख रहे हैं तो गाड़ी के सिस्टम के साथ गाड़ी में क्लच है ब्रेक है एक्सेलरेटर है गेयर है इस पूरे सिस्टम के साथ आप अपनी ट्यूनिंग को डेवलप करते हैं क्या करते हैं ट्यूनिंग को डेवलप कर रहे हैं आप और जब ट्यूनिंग डेवलप हो जाएगी तो आप गाड़ी चलाएंगे आप गाड़ी वैसे चलाएंगे जैसे साइकिल चला लेते हैं जब सुरों के साथ ट्यूनिंग डेवलप हो जाएगी ट्यूनिंग डेवलप होना जब आप स्वर साधना करते हैं सुर साधना करते हैं तानपुरे पर हारमोनियम पर सा रे ग म प ध नी सा नि ध प म रे सा तो जब आप सुर साधना करते हैं तो सुरों के साथ अपने आप को साथ एक ट्यूनिंग डेवलप करते हैं आप क्या करते हैं ट्यूनिंग डेवलप करते हैं और जब वो ट्यूनिंग डेवलप हो जाती है विकसित हो जाती है तो फिर क्या होता है स्वरों पे नियंत्रण आ जाता है फिर खुल के गाना बजाना हो पाता है और स्वर जो आपके सुर हैं, वो बिगड़ते है नहीं ताल कभी कटता नहीं सुर कभी गिरते नहीं ताल कभी कटता नहीं बिगड़ता नहीं आपका गायन बहुत अच्छा चलता और आपको लोग सुनना पसंद करेंगे कि भाई यह तो मजा हुआ कलाकार है मजा हुआ संगीतकार है परिपक्व संगीतकार है इसके सुर इधर उधर फिसलते नहीं है क्योंकि सुर के साथ आपने एक तारतम्यता स्थापित कर लिया एक ट्यूनिंग डेवलप कर लिया सुरों के साथ वैसे आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं मोटरसाइकिल चला रहे हैं बाइक चला रहे हैं या फिर कार चला रहे हैं आप उसके सिस्टम के साथ क्या करेंगे एक ट्यूनिंग को डेवलप करेंगे एक ट्यूनिंग को आप डेवलप करेंगे और जब वो ट्यूनिंग बन जाएगी तो आपका हर चीज पर कंट्रोल आ जाएगा ब्रेक क्लच अपने आप लगेगा सब अपने आप होगा क्योंकि ट्यूनिंग बन चुकी है यही संयम है यही संयम है एक तरह की तारतम्यता को स्थापित कर लेना एक तरह की ट्यूनिंग को बना लेना यह संयम है यह संयम की परिपक्वता है और अभ्यास करना उस तरह से अभ्यास करना जिससे कि ट्यूनिंग आसानी से डेवलप हो उन बातों का जैसे कि अगर कोई सुर साधना करता है तो खाली पार, पेट सुबह में कुछ साधनाएं करेगा कुछ साधनाएं भोजन करने के बाद करेगा कुछ अभ्यास शाम को करेगा क्योंकि हमारे गले का जो सुर है वो सुबह में गिरा हुआ होता है और शाम को वो चढ़ जाता है शाम तो को ऊंचे स्वर अच्छे से लगते हैं सुबह में नीचे स्वर अच्छे से लगते हैं जिन लोगों ने शास्त्रीय संगीत सीखा होगा वो भली भाती इस बात को समझते होंगे कि सुबह में जब आप गायन करेंगे तो नीचे के सुर अच्छे लगेंगे शाम को ऊपर के सुर अच्छे लगेंगे तो अभ्यास संयम के साथ जब अभ्यास होगा नियम और संयम दोनों होना चाहिए जब अभ्यास होगा तो परिपक्वता जल्दी आ जाएगी और यह जो परिपक्वता आएगी यह जो ट्यूनिंग डेवलप हो जाएगी यही तो सिद्धि है लेकिन सिद्धि को लेकर बहुत अलग अलग विचार हैं लोगों के मन में कुछ लोग सोचते हैं कि सिद्धि जैसे कि आपको टीवी सीरियल में दिखाया जाता है ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे और उनके पास सिद्धि आ गई अष्ट सिद्धियां आ गई तो पहले अनिमा आई अणिमा ने कहा खड़ी हो गई सामने ऋषि के कहा कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं इसलिए मैं आप में समा रही हूं मैं अनिमा सिद्धि हूं अब समस्या क्या है कि आजकल जो लोग हैं हमारे देश में वो टीवी सीरियल और इन सब चीजों से धर्म का निश्चय करना शुरू कर देते हैं वो शास्त्र नहीं पढ़ते ना समझने की कोशिश करते हैं उसको तो यहां बहुत भारी समस्या पैदा हो जाती है किसी भी विषय को समझने और समझाने में क्योंकि पहले से गलत कॉन्सेप्ट्स बने होते हैं पहले से गलत अवधारणाओं को लोगों ने स्वीकार किया होता है तो नई और सही अवधारणा को लाने में उन्हें तकलीफ होती है तो टीवी सीरियल में जैसे दिखा दिया गया कि सिद्धि आती है अनिमा आई लघिमा आई गरिमा आई महिमा आई और इस तरह से सिद्धियां प्रवेश कर रही हैं योगी के अंदर प्राप्ति सिद्धि आ गई और योगी के अंदर प्रवेश कर रही हैं ऋषि के अंदर प्रवेश कर रही उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हो गई जी नहीं ऐसे सिद्धियां सिद्धियों की प्राप्ति ऐसे नहीं होती महर्षि पतंजलि ने सिद्धियों का विज्ञान समझाया है जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा देखिए हर पुरुष संसार में कुछ लोग पूछ देते हैं मुझसे कि आप सिद्धियों की बात कर रहे हैं तो क्या आप सिद्ध पुरुष हैं ये मैं अपने मुंह से आपको नहीं बताऊंगा कई लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूं वो कई प्रकार की धारणाएं मेरे बारे में रखते हैं उन्हें कुछ कुछ अनुभव हो जाता है सम समटाइम्स उनको माइस्टिक की तरह एक्सपीरियंस होता है तो वास्तव में सिद्धि क्या है अभ्यास की परिपक्वता का परिणाम है सिद्धि कोई चमत्कारी चीज नहीं है कि भाई ऐसे ही आपके अंदर प्रकट हो जाएगी हाँ जब सिद्धि आ जाएगी तो आपके द्वारा चमत्कारी चीजें होंगी या आपको चमत्कारी अनुभव हो सकते हैं वो एक अलग बात है लेकिन सिद्धि कोई चमत्कारी चीज नहीं है सिद्धि एक परिपक्वता है जैसे कि एक कीबोर्ड प्लेयर या हारमोनियम वादक या बांसुरी वादक कई बार हम देखते हैं नेत्रहीन लोग होते हैं आंखें नहीं है लेकिन इतना अच्छा हारमोनियम प्ले करते हैं कैसे क्योंकि हारमोनियम प्ले करने के लिए आंखों की नहीं कानों की जरूरत होती है कहां उंगली रखने से कैसा साउंड आ रहा है बस दिमाग में वो पकड़ आ जानी चाहिए हारमोनियम के इस बटन को दबाते हैं तो ऐसी आवाज उसके आगे वाले को ऐसी आवाज उसके आगे वाले को आवाज चढ़ती जाती है फिर उतरती जाती है कहां हाथ रखने से कहां किस तरह की आवाज निकलेगी ये नेत्रहीन व्यक्ति सुन के पकड़ लेता है यहाँ रखने से ऐसी साउंड निकलेगी और फिर वो उसमें प्रैक्टिस करता प्रैक्टिस करते करते वो लोग बहुत सुंदर बजाते मैं कई ऐसे नेत्रहीनों से मिल चुका वैसे तो जो पुराने रामानंद सागर की जो रामायण थी उसके जो गायक थे वो भी नेत्रहीन थे और बहुत अच्छे हारमोनियम प्लेयर भी थे और गायक भी थे संभवतः रविंद्र जैन उनका नाम था तो इस प्रकार से सिद्धि वास्तव में संयम और अभ्यास का परिणाम है तो जब तत्वों में इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब तुम सूर्य का संयम करोगे तो तुम्हें तीनों लोगों का ज्ञान हो जाएगा जी हां जब योगी की एकाग्रता बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है तो उसके लिए संयम करना बहुत ही सरल कार्य हो जाता है थोड़ा सा ध्यान लगाकर वो किसी भी तत्व के साथ संयम स्थापित कर लेगा मतलब एक ट्यूनिंग बना लेगा और जैसे ही ट्यूनिंग बनाएगा उसके ऊपर उसका कंट्रोल आ जाएगा नियंत्रण आ जाएगा वायु तत्व के साथ ट्यूनिंग बनाएगा तो वहां पे वायु तत्व पे नियंत्रण आ जाएगा जल तत्व के साथ ट्यूनिंग करेगा तो जल तत्व पे नियंत्रण आ जाएगा वैसे ही पशु पक्षियों की भाषा पर उनकी आवाज पर संयम करेगा तो उनकी भाषा समझ में आ जाएगी कि पशु पक्षी बोल क्या रहे हैं कह क्या रहे हैं तो हम ऐसे लोगों को कहेंगे कि भाई ये तो सिद्ध पुरुष हैं लेकिन वास्तव में सिद्धि क्या है सिद्धि कोई चमत्कारी चीज नहीं कि चमत्कारी ढंग से आपके भीतर प्रवेश कर जाए जी नहीं यह आपके संयम का परिणाम है क्या है संयम का परिणाम है आप जो संयम का अभ्यास कर रहे हैं उसी का परिणाम सिद्धि है और सिद्धि कुछ नहीं है आपके अपने कार्य की परिपक्वता है कुछ हलवाई लोग होते हैं खाना बनाने में बड़े परिपक्व होते हैं फटाफट फटाफट पूड़ियाँ तल देते हैं बेल देते हैं घर में महिलाएं भी वैसा ना कर पाए तो उनके भी अभ्यास का परिणाम है वैसे ही खिलाड़ी हैं वो अच्छा खेलते हैं हॉकी खेलें क्रिकेट खेलें जो भी खेलें अभ्यास संयम और अभ्यास का परिणाम है और संयम और अभ्यास से जो चीजें प्राप्त होती है ना वो खत्म नहीं होती मृत्यु के बाद भी चली जाती इस बार कई बार ऐसे बालक बच्चे जन्म लेते हैं ऐसी बच्चियां जन्म लेती हैं जो बचपन से ही बड़ा सुंदर गाती हैं बचपन से ही उनका सुरों पर एकदम कंट्रोल होता है होल्ड होता है पूरा उनका सुर कभी गाएंगी तो फिसलेगा नहीं इधर उधर नहीं जाएगा तो पिछले जन्मों का अभ्यास भी काम आता है ऐसे ही योग साधना में भी साधना संपत्ति काम आती है पिछले जन्मों में जो हमने साधना की है जो योग साधना की है उसका अभ्यास किया है उसका उसका जो संपत्ति है वही साधना संपत्ति है साधना संपत्ति काम आती है तो वो साधना के मार्ग पर थोड़ी तीव्रता से बढ़ जाते हैं जिनके साथ साधना संपत्ति जुड़ी होती है साधना संपत्ति का होना आपको समर्थन दे देता है इस जन्म में भी योग मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए और बहुत तीव्रता से आप आगे बढ़ते हैं फिर और बहुत जल्दी साधना की गहराइयों में डूबना शुरू कर देते हैं एक बार बहुत जल्दी सिद्धियों का अनुभव भी ऐसे लोगों को जल्दी होना शुरू हो जाता है सर्वप्रथम सिद्धि क्या है इसको समझिए सिद्धि जो आपने कॉन्सेप्ट लेके बैठा कि भाई वो सिद्ध पुरुष उनके अंदर सिद्धि आ गई कोई देवता उनके भीतर आ गया क्या नहीं ऐसी कोई देवता जिसके ऊपर आता है वो कोई सिद्धि नहीं होती वो तो परतंत्रता है वहां तो दुख है संताप है वहां पर कुछ लोग कहते हैं कि देवता हमारे ऊपर आ गए एक महानुभाव कहते हैं कि मैं हनुमान जी की पूजा करता हूं चार घंटे पूजा करता हूं तीन घंटे करने के बाद मेरा शरीर हिलने लग जाता है हनुमान जी मेरे ऊपर आ जाते हैं मैंने कहा हनुमान जी कब से ऐसे आने लगे क्या यही योग मार्ग सिखाता है कि हनुमान जी इस तरह से आ जाएंगे क्या यह सिद्धांत कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ है उठा के दिखा दो क्या हमारे शास्त्रों में कोई ऐसा शास्त्र है जो इस बात की व्याख्या कर रही हो कि किसी के ऊपर हनुमान जी आ गए किसी के ऊपर देवी जी आ गई किसी के ऊपर काली जी आ गई क्या हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी ऐसी व्याख्या मिलती है नहीं यह तो रोग है बीमारी है व्याधि के रूप में मिलती है हाँ, मिलती है लेकिन बीमारी के रूप में मिलती है इसे बीमारी बताया गया है इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर बताया गया है इसको व्याधि बताई गई है इसको प्रेत बाधा बताया गया है जो लोग कहते हैं कि हनुमान जी आ गए शिव जी आ गए देवी जी आ गई ऐसे कई लोग हैं मिल जाते हैं अलग अलग जगह में अलग अलग देवी देवता लोग हैं ना तो उनके हिसाब से आ जाते हैं कहीं बजरंग बली हैं कहीं माता है तो कहीं विठल भी आ जाते हैं किसी के देह पर विठोवा और कहीं कुछ लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसी किसी पद्धति या ऐसी सिद्धि का कोई चर्चा नहीं मिलती है जहां पर इस तरह से सिद्धि आ जाए कि आपके ऊपर हनुमान जाएगा मैंने कहा कि चुपचाप जो चार घंटे पूजा करते हो इसको आधा घंटा से ज्यादा नहीं करना पंद्रह मिनट से ज्यादा पूजा करो ही मत ठीक है और कभी हनुमान जी तुम्हारे यहां पर आए तो हनुमान जी से बात करा देना हम समझा देंगे उनको योगी है हनुमान जी अष्ट सिद्धियों प्राप्त हैं योग साधना से उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की है वहां पर योग का विज्ञान काम कर रहा है आप उसे योग को विज्ञान योग के विज्ञान को नहीं समझना चाहते हो और व्यर्थ के भ्रम फैला रहे हो कि हनुमान जी किसी के ऊपर आ गए किसी के ऊपर देवी जी आ गई जी नहीं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की बड़ी सुंदर घटना है मैं बोल रहा हूं तो ऐसे नहीं बोल रहा हूं हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात लगे कि भाई ये हनुमान जी आते हैं तो मानते ही नहीं है देवी जी किसी के ऊपर आती हैं तो मानते नहीं है रामकृष्ण परमहंस के पास कुछ लोग गए दूसरे गांव से आए उनके मठ में गए और उनसे कहा कि आप तो काली के बहुत बड़े भक्त हैं और हमारे गांव में तो काली साक्षात प्रकट होती है आती है और भविष्यवाणिया करती है किसी की चेन गुम गई किसी की भैंस गुम गई किसी का का बैल गुम गया किसी धोबी का गधा गायब हो गया तो भविष्यवानियां हमारी देवी कर देती है साक्षात आती है वो ठाकुर ने कहा कि अच्छा मैं भी दर्शन करने आऊंगा ठाकुर पहुंच गए उस गांव में हर शनिवार को देवी आया करती थी एक लड़का था अठारह साल का उसके बड़े बड़े बाल लंबी लंबी जीव निकाल लेता था वो उसके ऊपर देवी आती थी ठाकुर पहुंच गए ठाकुर ने देखा कि लाइन लगी हुई है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस लाइन लगी हुई है और देवी आ रखी है और वो जो लड़का है वो अपने सिर घुमाता है बाल घुमाता है और लंबी जीभ निकली हुई है और फिर कोई पूछता है तो उसका उत्तर देता है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने देखा यह दृश्य और लोगों की लाइन लगी वो भी लाइन में लग गए चलो हम भी मिल लेते हैं गए मिले दर्शन किया लोगों ने कहा कि आप भी पूछ लो कुछ पूछना है तो और वो जो था लड़का अठारह उन्नीस साल का उसकी हालत खराब थी गर्दन घुमा रहा था शरीर पूरा घुमा रहा था ठाकुर ने क्या किया कि एक हाथ अपना निकाला ऐसे हाथ उठाया और घुमाकर एक चाटा मारा घुमाकर एक चाटा मारा जैसी चाटा मारा वो शांत वो सारी काली वाली वहां से गायब जो काली आती थी वो गई वहां से एक चाटा मारते ही शांत हो गया जब शांत हो गया वो बच्चा लड़का शांत हो गया ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देख भूत भूत करेगा तो भूत ही बन जाएगा भगवान भगवान करेगा तो भगवान बन जाएगा भगवान बनना है तो आ जाना मेरे पास दक्षिणेश्वर मंदिर में आ जाना और तब से वो बालक वो लड़का जो कि 18-19 साल का था वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास जाने जाने लगा और बाद में चलकर वही स्वामी अभेदानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने एक बहुत रहस्यमय पुस्तक लिखी मृत्यु के पार कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है अब वो कैसे जान के कुछ लोग कहते हैं कि हम तो मरे नहीं क्यों तो क्या मरने वाले जब आके बताते नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होता है तो ये लोग कैसे बता देते हैं अरे भाई यही तो योग है योग साधना से बताते हैं ध्यान के माध्यम से बताते हैं खुद को परावस्था में ले जाकर समझते हैं कि क्या होता है जीव के साथ मृत्यु के बाद और यह भी बात गलत है कि मरे हुए लोग आकर बताते नहीं आकर कई बार बताते भी कभी विलियम क्रुक्स को पढ़िए जिन्होंने कैथोड रे ट्यूब बनाई थी बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे भौतिक विज्ञान के और रसायन के बहुत बड़े वैज्ञानिक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट सर विलियम क्रुक्स उन्होंने प्रमाणित किया है कि मरे हुए लोग मरने के बाद आते भी हैं और बताते भी हैं अपने बारे में कि हमारा जीवन कैसा है ऐसी बात नहीं कि नहीं बताते तो पता चलता है तो इसलिए सिद्धि सिद्धि को लेकर बहुत सारे मिसकन्सेप्शन्स हैं लोगों के मन में महर्षि पतंजलि ने बखूबी समझाया है इसको कि सिद्धियां कैसे होती हैं संयम से होती हैं सिद्धियां संयम से होते हैं और सिद्धियां कुछ नहीं संयम की परिपक्वता ही सिद्धि है परिपक्व अवस्था जब गाड़ी चलाने में गाड़ी के सिस्टम के साथ परिपक्व अवस्था आ जाएगी ट्यूनिंग पूरा बन जाएगा तो सिद्धि की तरह आप गाड़ी चलाओगे वैसे ही कीबोर्ड प्लेयर बजाते हैं कुछ लोग गिटार बजाते हैं अभ्यास का परिणाम है प्रैक्टिस का रिजल्ट है रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस तो यह समझना है तो सिद्धियों के प्रति सिद्धियाँ ऐसे नहीं आ जाती हैं संयम से आती हैं तो हमें संयम का विज्ञान पहले समझना है और फिर सिद्धि का विज्ञान वैसे किसी भी कार्य में कोई गायन करता है कोई वक्ता है बोलता है बोलते बोलते करते करते एक ट्यूनिंग बननी शुरू हो जाती है समझ जाता है मुझे कैसे एक्सप्रेस करना है कैसे बताना है कैसे कहना है और जब परिपक्वता आ जाएगी तो सिद्धि आ जाएगी मैच्योरिटी आ गई मैच्योर स्टेट इज द सिद्धि ठीक तो सिद्धि के बारे में पहले समझिए सिद्धि का कॉन्सेप्ट समझिए संयम का कॉन्सेप्ट समझिए तो संयम से सिद्धि होती है मुझे लगता है कि आप जरूर इस बात को समझ पा रहे होंगे संयम से सिद्धि होती संयम एक नियमित अभ्यास है कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं कुछ प्रैक्टिस करते हैं और बाद में हम अपने कार्य को मैच्योर कर लेते हैं अपनी प्रैक्टिस जब मैच्योर हो जाती है तो फिर सिद्धि आ जाती है उस कार्य की सिद्धि आ जाएगी तो जिस कार्य की सिद्धि आ जाएगी तो लोग आपको कहेंगे भगवान उस कार्य का भगवान जैसे कुछ लोग तेंडुलकर को क्रिकेट का भगवान कह देते हैं बच्चन को एक्टिंग का फिल्मों का भगवान मान लेते हैं कुछ लोग हालांकि नहीं है लेकिन फिर भी लोग कहते दे। हैं देखते हैं कि भाई इतना मैच्योर प्लेयर है इतनी मैच्योर उसका उसकी बैटिंग है इतनी परिपक्व इतनी एक्यूरेसी के साथ बस यही सिद्धि है योग मार्ग में भी जब नियमित अभ्यास होता है ध्यान एकाग्रता जब बढ़ जाती है और एकाग्रता विकसित हो जाती है एकाग्र करना आपके लिए बहुत सरल हो जाता है अपने आप को तो आपके अंदर सिद्धियां आ जाएंगी स्वाभाविक है ये प्राकृतिक है ये बहुत सारे पावर्स एकाग्रता के कारण कॉन्सेंट्रेशन के अंदर आ जाएंगे और बहुत सफल होंगे आप दूसरों की तुलना में तो इस तरह से हमें सिद्धि का विज्ञान समझना चाहिए तो सिद्धि एक परिपक्वता है आपके अभ्यास की परिपक्वता है चलिए आपके कमेंट्स देख लेते हैं विनोद कुमार सूजी रामविलास मीना जी अवनी प्रधान जी स्वामी भक्त देव शुभ योगी जी गोविंद प्रसाद नीमा नरेंद्र माकुड़े प्रेता कन्हाई कुमार जी प्रेम सागर यादव नूतन वर्जी जी रूपलाल विश्वकर्मा बिक्रम सिंह जी शिखर शर्मा जी कन्हाई कुमार जी गंभीर शाह जी चित्रंजन बरुआ जी दास साहू रामगोपाल कमलेश खैरनर विष्णुचंद्र मौर्य संतोष कुमार राम विलास जी योगेंद्र पंडित घनश्याम सरोदे रतन सिंह खिम सुनार बिमला साह किशोर वैद्य उषा श्रीवास्तव राजू पाल जी अमन कक्कर धन्यवाद भारत श्वेता राय सिन्हा जी बहुत अभिनंदन है आप सभी का ज्योति बड़े एक त्यागी पलक धारी जी तो सबका बहुत बहुत अभिनंदन है स्वागत है इस कार्यक्रम में तो सिद्धि परिपक्वता का परिणाम है और हम जो ध्यान योग से साधना करते हैं हमारा ध्यान योग परिपक्व हो जाएगा तो निश्चय ही सिद्धि आएगी तो यह ध्यान योग का जो कोर्स है 20 जुलाई से शुरू हो रहा है एक महीने का है गाइडेड मेडिटेशन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भावातीत ध्यान और स्पिरिचुअल हीलिंग के टेक्निक्स इसमें सिखाई जाएंगी आपको बताई जाएंगी निश्चय ही आप इसको ज्वाइन करें और इसको ज्वाइन करना चाह हैं इस नंबर पे संपर्क करेंगे व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पर संपर्क कर आप डिटेल्स ले लेंगे कि ज्वाइन कैसे करना है आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी और उसके अनुसार आप ज्वाइन कर लेंगे फिर तो इस प्रकार से हमें इस विषय को समझना है सिद्धि और संयम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और अभ्यास पर विश्वास करना है अभ्यास वैराग्य, तन तन्निरोध। भगवान शिव ने कहा अर्जुन से अभ्यास न तू कौनते वैराग्य न चृह्य इसलिए श्रीमद भगवद गीता को भी योग शास्त्र कहते हैं श्रीमद भगवत गीता को योग शास्त्र और ब्रह्म विद्या कहते हैं इसीलिए अभ्यास में लगी ध्यान योग सीखिए अभ्यास में लगी सिद्धियां है के हमें सिद्धि नहीं मिलेगी क्या कई बार सिद्धियों को लेकर बहुत सारी बातें करते लोग आज के जमाने में कहा सिद्ध पुरुष होंगे अरे भाई तुमसे मुलाकात नहीं तो होंगे ही नहीं व्यर्थ की निजी अवधारणाएं बनाकर बैठ जाते जिस दिन आपने योग साधना अच्छे से किया ध्यान योग किया और आपको अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो गया परा अनुभूतियां प्राप्त हो गई तो आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि हां सिद्धि भी हो सकती है सिद्धियां भी होती हैं लेकिन सिद्धियां भी अभ्यास का परिणाम है तो नियमित ध्यान योग का अभ्यास होना चाहिए ध्यान योग करें भी और नियमित अभ्यास भी करें क्या प्रश्न कर रहे हैं गुरु जी मन में गलत संस्कार बन गए हैं और जब हम नए संस्कार बना रहे हैं तो वो पूर्ण कर्म संस्कार हमें बाधित कर रहा है हाँ जी हाँ करेगा लेकिन आपने पूरे विश्वास के साथ दृढ़ संकल्प के साथ कन्विक्शन के साथ आपको अपनी साधना करनी है अभ्यास करना है जब यह अभ्यास परिपक्व होगा तो सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी तो अभ्यास करना अनिवार्य हो जाता है चलिए इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम की ओर ले चलेंगे कल फिर मिलेंगे 9 पीएम लाइव चर्चा में आप सभी से तो बहुत बहुत आभार आप सभी का